देखो डॉक्टर साहब, आपने हमको पूछा कि आप कोरोना के पेशेंट से कैसा डील करते हैं। ठीक है, मेरा तरीका बहुत सिंपल है डील करने का, है ना। पेशेंट तो डर के मारे आ रहे हैं, सब कुछ कोरोना रहता है ऐसा जरूरी नहीं है। जनरल सिम्टम जो है इतने साल के प्रैक्टिस में और इतने जो मरीज आते थे, सर्दी खांसी बुखार छींके आना और ये एडिशनल कोरोना की जो इन्फॉर्मेशन प्रसारित हो गई, तो कुछ उनको सिम्टम्स जो आते हैं ना वो थोड़े साइकोलॉजिकल लेवल पर रखते हैं। वो उसके बाद में बोलते हैं कि भैया मेरे को ये तो मेरे को कोरोना है कि नहीं है, डॉक्टर साहब आप बताओ। अब कोरोना तो अपन अंदाज़ से बोल नहीं सकते, साइकोलॉजिकल वार है वो, जो विज्ञान ने छेड़ा है ना। लोगों को अवेयरनेस कर दिया, जानकारी दी, सबके मन में भावना होती कि मेरा रक्षण होना चाहिए, तो वो बेचारे डॉक्टर के पास आते, डॉक्टर भी कोरोना से इतना डर गया है तो वो तो मरीज को आजकल हाथ भी नहीं लगाता। फिर ऐसे टाइम में मरीज ने क्या करना चाहिए, तो हमने इसका एक सीधा सिंपल रास्ता निकाला है ना। भला ये मरीज जो हमको क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनको हमारी जो रेगुलर मेडिसिन थी और जिससे हमारे मरीज ठीक हो रहे थे और उनका हमारे ऊपर जो भरोसा और कॉन्फिडेंस था उसको हमने मेंटेन किया। हमने उनको कुछ दवाई दी और 3 दिन के बाद में बुलाया। कोरोना के बारे में कुछ अच्छे था नहीं कि हमने उनको सीधा बोला कि ये लक्षण तो आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर लगते हैं, आप इसको भूल जाइए और 3 दिन के बाद में मेरे को रिव्यू के लिए आइए। 3 दिन के बाद में हमारे पेशेंट 90% पेशेंट परफेक्ट होके आ गए कि साहब मेरे को इससे आराम है, इससे आराम है। इसका मतलब क्या है, उनको कोरोना हुआ भी होगा तो कॉन्फिडेंस और भरोसा और हमारा जो हाथ में हीलिंग पावर है उसके कारण नहीं वो ठीक हो, ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि नहीं। अब साइंस डॉक्टर का हीलिंग पावर नहीं जानता, उसके बाद बहुत सारे लोग अपने बोलते हैं, हमने प्रैक्टिस में कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे हाथ को यश है, कैसे कैसे पेशेंट तुम्हारे हाथ से हीलिंग ठीक हो जाते, तो ये हम भी मानते हैं, भलाई हम साइंटिफिक है लेकिन ये डिवाइन गिफ्ट के बारे में तो हम मानते हैं। जैसे आप भगवान को भी मानते हैं, हमसे वैसे ही किस्म से हम ये जो पावर हमको दिया होगा भगवान ने, हो सकता है कि उसके कारण पेशेंट हील हो रहे, यानी हीलिंग जो है होता है 90% वो फेथ से होता है, यही हमें कहना है। अब कोरोना रहे का और कोई बीमारी रहे, यदि पेशेंट का हमारे ऊपर भरोसा रहेगा, मैं दावे से कहता हूँ ह्यूमन बॉडी के लिए हीलिंग पावर जो है वो टोटल फेथ ही है। क्योंकि इसलिए तो लोग मंदिर में जाके दरगाह में जाके मंत्र तंत्र से ठीक होते हमने देखे इतने साल के प्रैक्टिस में। तो आप भरोसा कीजिए स्वयं पे और भरोसा रखिए, जो कुछ भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसके ऊपर भरोसा रखें, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, पहले आप भरोसा रखिए। भरोसे से ही बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस जगाना जरूरी है। अभी ये जो वातावरण हो गया ये बड़ा दूषित हो गया, सारे दुनिया का चेतन अवस्था और कॉन्शियसनेस विज्ञान ने परावर्तित कर दी, जो मरीज नहीं है वो भी मरीज बनते रहे। ऐसे टाइम में आपने क्या करना चाहिए, कितने लोगों को आप दवाई देंगे, कितने लोगों को आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, पॉसिबल है ये? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, क्या आप सबका इन्वेस्टिगेशन कर सकते? फिर ये साइंटिफिक कंसेप्ट जो है, ये साइंटिफिक कंसेप्ट भलाई ठीक होंगे लेकिन ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद।